ओके सो यहाँ बीरबिलिंग भाई। हाँ भाई। ओ भाई आप आयो, यही तो मेरे घर है, बीरबिलिंग में बच गया। Best of me now, best of me now, best of me. तो भाई यहाँ पे रेडी है और मैं ऊपर से नीचे रेडी हूँ। आज मैंने अपने पूरे राइडिंग गियर्स निकाले विद दी बॉम्बर्स, ठीक है। तो अभी साथ कुछ बज रहे हैं, जल्दी से निकलते हैं। मेरे को आज जाना है जीरकपुर क्योंकि हम अपना नया गोप्रो उठाने वाले हैं आज, ठीक है। तो हाँ, ये वाला सीन है। अभी मेरे पास गोप्रो नहीं है सो मैं ब्लॉग नहीं कर सकता, तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा। ओके सो मूर्थल, अभी हम मूर्थल रुके हैं। बाइक इज़ परफॉर्मिंग गुड, फॉग बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम ये बाइक में आ रही है बिकॉज ऑफ द चेन ना। बाइक को ना एक इनिशियल, मतलब इनिशियल बोल लो जो भी बोल लो ना, एक पिक नहीं मिल पा रहा है बाइक को क्योंकि चेन पूरी ख़राब है। तो या ये 400 किलोमीटर कर रहे हैं लेकिन एक और राइड है, तो उस राइड के बाद जब मैं वापस आऊँगा तब मैं बाइक को और अच्छे से काम करवाऊँगा। प्लान था इस पर अच्छे से काम करवाने का, बट बात वही हो गई कि गोप्रो लेना पड़ गया और उसके बाद सेकंड सिनेरियो बन गया कि राइड जो भी है वो आपको दिख जाएगी। तो बाइक इज़ वैसे तो बाइक इज़ परफॉर्मिंग ऑसम। बाकी मेरे को अगर इस पर लॉन्ग राइड पे जाना तो मेरे को इसका स्टॉक एग्जॉस्ट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जो नेक्स्ट राइड है वो तो इससे भी बड़ी है इस पर, तो तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि दिमाग फट जाएगा आवाज़ से, क्योंकि डी बी के लिए लगा के भी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड आती है हाई आर पी एम। तो क्या मस्त फॉग हो रखा है देखो जरा, और पूरा हेलमेट जो है गीला हो रहा है मेरा, बार बार देख सकते हो। अंदर से तो डीप फॉग है लेकिन बाहर से नहीं है, तो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ओ भाई ये बाइक की पावर ही अलग है, मज़ा आ जाता है इसको चला के। लोगे दिस बिच यार, और पीछे तो फाड़ लगती लगती है यार ये। ओके सो काफ़ी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा था कि मैंने सेकेंड हैंड टायर क्यों लगाया, तो दिस इज़ द रीज़न। आप देख सकते हैं कि जब लॉन्ग राइड करो ना तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन यूज़ होता है, ये पोर्शन तो हद मार के भी यूज़ ही हुआ, ठीक है। जैसे आगे भी यही सीन है, बाइक ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा। मैं एक और कॉन्टेंट सोच रहा था, बाइक चला रहा था, वो कॉन्टेंट सोच लिया है, और वो कॉन्टेंट की दिल्ली में तो काफ़ी प्रॉब्लम है वो चीज़ें करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी आई होप सो। अब मैं जिससे मिलने आऊँगा उससे मिलता हूँ। नंडा मेरी प्रोफाइल देख रहा है और एक्साइट हो रहा है। ओके शायद ऑर्डर हो गया। ओके सो यहाँ भाई। हाँ भाई। ओ भाई आप आयो, यही तो मेरे घर है, बीरबिली में। हाँ बैजनाथ। अच्छा। तो ये हमारे हमारे साथ है हमारा सस्ता सौरभ जोशी, इधर देखिए। और महंगा कौन हो आप, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भाई मेरा नाम भारत है और मैं राघव भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ अभी। ये और भाई से मैं मेनली जो है हमने एक्सचेंज करा है, मैंने इनसे गोप्रो लिया है, इन्होंने मेरे से ड्रोन लिया है, तो बातचीत चल रही थी तो फाइनली हम मिल लिए। आपका नाम क्या? वरुण। वरुण है कहाँ से? हिमाचल। सुंदरनगर से। तो ये सारी प्लानिंग हुई थी, फिर मैंने सोचा बाइक भी निकाली नहीं है तो बाइक निकालते और जाते हैं। अभी कांड हो रहा था। नहीं, अभी सब गिर जाता। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ी देर, अभी निकलेंगे वापस। मेरा तो प्लान है, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लाया ना, मेरे पास बॉटल्स है ना, मेरे पास अभी पेट्रोल है, बट होप सो हो जाए सब। और कैसा लग रहा है मिल गया? बहुत बढ़िया भाई। भाई अभी तो लाइक्स हो रही हैं भाई की फोटो स्टार्ट कर रहा है। सामने सामने सारे में सच सच कमेंट करना, ये बंदा सौरभ जोशी जैसा क्यों लग रहा है? इधर ले यार, मैंने बाल नहीं चले ऐसे नहीं लगता। चल मैं भी बंद, मैंने बोला बोला है सौरभ जोशी आप हिमाचल में और कहा है आपकी रेड कलर की? बस मैं ऐसे ही उसको दुनिया कहती हूँ, वो एरोगेंट है। अच्छा थोड़ा एरोगेंट है बट मैं वो नहीं है भाई। अपना सिंगर है, क्या नाम है उसका? भारत। भारत भारत ब्रेक 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 बी आर ए ब्रेक चैनल का नाम भी हो गया भाई। अपना गाने गाता है, उसकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, क्या बता रहा हूँ उनको क्या करना है एक्चुअली। प्रोजेक्ट
क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। क्या करेगा फिर? कनाडा भाग जाएगा और क्या? तो अभी हम बैठे हुए चिल है, मामला है, फाइनली गोप्रो लग गया है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी YouTube से कितना ऐसा होगा मन का भैया, मान के चलो ये पल जाती है। ओके, ये कौन सी जगह है? भडेवी, बलदेव नगर। अरे तो मैं बलदेव नगर के अंदर आया था बिकॉज मेरे को मेमोरी कार्ड चाहिए था GoPro में, अब वो मिल गया। अब हम करने वाले इसका माइलेज टेस्ट, पेट्रोल भी मिल गया मेरे को, बॉटल भी मिल गई, ठीक है। चलो भाई भैया, फाइनली GoPro आ गया। अपरा वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। ओके, सो मेरी बाइक में रेंज दिखा रहा है कि 53 किलोमीटर और जाएगी। अरे छोटे छोटे बच्चे बीच में आ जाते हैं, फिर इनको लग जाती है, इनकी मम्मी हमें मारती हैं। कोई नहीं, हाँ मैं ये कह रहा था कि 53 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है कि और चलेगी, वो मेरे को लगता है 60 कुछ चलेगी। अभी 250 किलोमीटर पार कर दिए फुल टैंक में। अब इससे ये भी पता चल जाएगा कि रिजर्व के साथ फुल टैंक में मेरी बाइक कितना चलती है, और उसके बाद अपन 1 लीटर तो करेंगे। तो नाउ लेट्स गो। भाई साहब थक गया तुम्हारा भाई, थक गया भाई। मेमोरी कार्ड ढूंढने में इतना टाइम लग गया जिसकी कोई हद नहीं है। एंड फाइनली आई एम ऑन हाईवे विद माय बीस्ट। भाई साहब इतना ज़्यादा फॉग, इतना ज़्यादा फॉग, मेरे को पता मैंने बाइक कैसे चलाई है। मतलब 100 पे क्रूज करी है मैंने, स्पीड नहीं छोड़ी। तुम्हारा भाई ओपी है। ओके तो मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा, बट मैं भगा भी रहा हूँ, बट मैं भगा भी नहीं रहा। ऐसा सा हूँ मैं, जैसा सा हूँ ऐसा ही तो हूँ मैं। नाउ जल्दी घर चलते हैं भाई। पता क्या बात है, GoPro में कुरियर से भी मंगवा सकता था, बट 2-3 रीजन है। पहली बात बाइक चलाने को मिल रही है, दूसरी बात भाई कह रहा था मिलना है, मैंने कहा बढ़िया ड्रोन, मैंने उसको दे दिया। ड्रोन मैं ले लूँगा नया, कोई बात नहीं, अभी बहुत जल्दी ले लूँगा। बट डील अच्छी थी यार, उसको ड्रोन की ज़रूरत थी, मेरे को GoPro की ज़रूरत थी, तो वी डिसाइडेड टू एक्सचेंज, दैट्स इट। यार GoPro Hero 9 एक बार भी लैग भी नहीं हुआ, जब मैंने बहुत बार इसको चालू बंद करा। यही तो यार, ऐसी रोड कंडीशन में तो एडवेंचर याद आती है बड़ी तेज, लेकिन एडवेंचर से ये नहीं हो सकता ना। ये पावर ओके। सो मैं अभी बॉर्डर पे हूँ, और मेरी फटती है जब भी मैं बॉर्डर पे होता हूँ, क्योंकि बॉर्डर पे हमेशा पुलिस होती है। एक बार मेरे को ड्यूक पर रोक लिया था, जीनो ऑसो पर रोकेगी तो खत्म, ओके टाटा बाय बाय गया। मतलब होप सो रोके ना, होती यार बॉर्डर पे तो हमेशा पुलिस होती है, बॉर्डर पे नहीं होती, बॉर्डर के जस्ट बाहर ज़रूर होती है। हाँ देखो बैच बच गया भैया, उधर ले रहा, बच गया हाँ वही तो, उसको दिख तो रहा है नहीं नीचे, बच गया। ये देखो इसने भी ऐसे मोड़ ली। ओके
सो आई एंटर्ड इन दिल्ली और अभी 4:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे मैं निकल गया था, 4:30 बजे मैंने एंट्री मार ली। कमाल है इसका, इसका कमाल है। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस बिच बीस्ट, सॉरी बिच बिच ज़्यादा करने लगे हूँ मैं आजकल। ओके, इतनी खाली रोड देख के तो लालच आता है बहुत तगड़ा वाला। ये बहुत तगड़ी लंबी और सेक्सी थी। ओके, सो वैसे तो मेरे को लेना चाहिए था 7 ब्लैक फिर से, बिकॉज मेरे पास उसकी सारी एक्सेसरीज हैं, बट मैंने चूज करा 9 या 10 बिकॉज आई डोंट हैव DSLR नाउ। मेरे पास DSLR नहीं है, तो ये जो कैमरा GoPro ने बनाया ना, ये व्लॉगिंग के लिए जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इसके आगे स्क्रीन है, ठीक है, वो थोड़ा सा लैग मारती है बट वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपको दिख रहा है ना फ्रेमिंग क्या चल रही है बस। तो मैंने लिया GoPro Hero 9। अब 10 लेने का पूरा प्लान था, सोच लिया था भैया 10, लेकिन फिर मेरे को भाई ने ऑफर दिया कि आप एक काम करो, मेरे से जो है वो ले लो, क्या बोलते हैं मेरे से वो ले लो, मेरे को ड्रोन दे दो और मेरे से कैमरा ले लो ये वाला। तो ऐसे करके हमारे एक्सचेंज हुआ और फिर मैं GoPro Hero 9 लेके आया। देखो 10 में बस कुछ ही अच्छी बात है। पहली बात तो चिप नहीं हुआ है, चिप नहीं होने की वजह से लैग होने के चांसेस कम है, और एक और उसमें फिर एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि भैया आई थिंक वो 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड पर भी जाता है सुपर व्यू में, तो दो चीज़ें हो जाती स्टिल। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं है, उतना बजट नहीं है, जो आ रहा आने दो। अभी मैं आया हूँ शॉर्मा खाने, मैं शॉर्मा खाता हूँ, मेरे को भूख लग रही है बड़ी तेज़, पता नहीं इतना भूखा मैं पाव भाजी भी टूट जाऊँगा, वो भी टूट जाऊँगा, सब खा जाऊँगा। मेरे बालों को इग्नोर मारना, एक्चुअली सीन ये है मैंने गोले का तेल लगाया तो वो जम गए हैं।